सुपर फास्ट खबरों की ओर। छतरपुर के बेरोजगार युवाओं ने छत्रसाल चौराहे पर पीटी थाली और भीख भी मांगी। छतरपुर जिले के बेरोजगार युवाओं ने अरुणोदय सिंह परमार और मिंटू भैया के नेतृत्व में आज मोदी सरकार और शिवराज सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन किया है, जिसमें उनके साथ कई युवाओं ने छत्रसाल चौराहे पर थाली बजाई और भीख मांगी। अरुणोदय परमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पिछले 4 माह में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं और सरकार से सवाल पूछो तो एक्ट ऑफ गॉड कह के बात टाल दी जाती है। आप बताओ हम करें तो करें क्या। एक युवा 20 लाख रुपए खर्च करके पढ़ाई करता है और जब उसे रोजगार नहीं मिलता तो हताश हो जाता है। परमार ने कहा कि आज युवाओं ने थाली बजाकर इस विफल सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। अगर आने वाले समय में हमें रोजगार नहीं मिले तो हम एंडा सरकार को हटाने में जी जान लगा देंगे। परमार ने आज युवा टीम के साथ भीख भी मांगी ताकि सरकार को युवाओं की मौजूदा परिस्थिति से अवगत करा सके। इस कार्यक्रम में रविंद्र सिंह, अदीप खान, विनोद कुशवाहा, रवि वर्मा, हुकुम कुशवाहा, मनीष अंकित, राहुल यादव आदि मौजूद रहे। बुंदेली न्यूज़। जी भाई, क्या नाम है आपका? मैं अरुणोदय सिंह परमार। जी भाई, आज आपने क्या मांगा है, क्या है? देखिए, आज छतरपुर के बेरोजगार युवाओं ने छत्रसाल चौराहे पर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के तहत हमने 2 अभियान चलाए हैं। सबसे पहले तो भीख मांगी है और भीख मांगने के साथ साथ हम लोगों ने तालियां बजाई हैं। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने एक विफल प्रयास किया था कोरोना को भगाने का, प्रधानमंत्री जी का कहना था हम थाली बजाएंगे कोरोना भग जाएगा, आज हमने थाली भगाई है एनडीए सरकार भगाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज भारत का युवा प्रताड़ित हो चुका है, आज भारत के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और पूरे देश में ये आक्रोश है। मैं केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार से ये निवेदन करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ कि आप लोग समझ जाइए, अगर आपने अब रोजगार नहीं दिए तो युवाओं का आक्रोश अब नियंत्रित नहीं रहेगा। हमें रोजगार चाहिए। सबसे पहली बात, थाली बजा के हमने ये संदेश दिया है कि एनडीए जाने वाली है, और भीख मांग के हमने ये संदेश दिया है कि आज युवाओं की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, खाने को पैसा नहीं है। अरे जो युवा 20 लाख रुपए लगा के कॉलेज में पढ़ाई करता है, आज उसके पास रोजगार नहीं है तो भैया वो क्या करे? आज हम मोदी जी से और शिवराज जी से रोजगार मांग रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम रोजगार के लिए किया गया है, कृपया हमें रोजगार दीजिए।